अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अच्छा जी, अगर आप चाहते हैं कि आपके हेयर जो है ना, जब आप कंघी करते हैं तो बहुत मुश्किल से कंघी होती है, इतने ज़्यादा रूखे आपके हेयर्स हैं और आपको बहुत प्रॉब्लम होती है कंघी करने में, और आपके हेयर्स जो है ना बहुत ज़्यादा ड्राई ड्राई दिखते हैं, और आप चाहते हैं कि आपके हेयर्स शाइनी नज़र आएँ, तो उसके लिए ये है वैसलीन का हेयर टॉनिक। आप यकीन करें कि इतना अच्छा ये बेस्ट हेयर टॉनिक है, अगर आप इसको रेगुलर यूज़ में ले आते हैं और अपने हेयर्स को रेगुलर इसके साथ कंघी करते हैं तो आपके हेयर्स, एक तो कंघी बड़ी अच्छे से हो जाया करेगी, दूसरा ये कि रेगुलर यूज़ करने से आपके अगर सर में सिकरी का प्रॉब्लम है वो ख़त्म होगा, और आपके हेयर्स, आपके जो हेयर्स हैं ना, इसमें जान पड़ जाएगी और आपके हेयर्स बहुत ज़्यादा हेल्थी नज़र आएंगे। और आपके हेयर्स पहले से, अगर आपके हेयर्स पतले हैं तो आपके हेयर्स थोड़ा हेल्दी होना स्टार्ट हो जाएंगे, लेकिन वो अगर आप रेगुलर यूज़ करेंगे तो ये वर्क करेगा, वरना अगर आप इसको कभी कभी यूज़ करेंगे तो फिर ये आपके इस चीज़ के लिए बेहतर है कि आप अपने हेयर्स को जो है इसके साथ अच्छे से कंघी कर सकते हैं। बाज़ औक़ात बच्चे बड़े ढीठ होते हैं, उनकी कंघी करने में बड़ा मसला होता है, तो यहाँ वो सर को हिला देते हैं बड़ा मुश्किल से, उनके माओं को ना मसला होता है कि उनकी कंघी जल्दी नहीं होती, तो उनको अगर ये हल्का सा लगा देंगे ना, एक तो इसका ये फ़ायदा होगा कि जैसे हम ऑयल को इतना पसंद नहीं करते, या स्कूल में बच्चों ने जाना होता है तो ऑयल्स को पसंद नहीं करते कि ऑयली ऑयली हेयर्स नज़र ना आए, तो ये अगर हल्का सा आप लगा के इसके ऊपर आप एलोवेरा की जेल बना के रख लें, ठीक है, जेल का, जैसे एलोवेरा को मैं आपको बता देती हूँ कि एलोवेरा को आपने ना पानी उसमें ऐड कर लेना है, पानी नहीं है तो आप रोज़ वाटर भी ऐड कर सकते हैं, एलोवेरा में रोज़ वाटर ऐड करके ना उसको अच्छे से ग्राइंड कर लें, उसका ना पानी बना लें, ठीक है, जूस बना के उसको किसी शावर में रख लें, सारे हेयर्स पे ये हेयर टॉनिक आप लगा लें और साथ उसका जो है ना शावर करें अपने हेयर्स में। यकीन करेंगे, एक तो उसके साथ जब आप स्ट्रेटनर करेंगे तो आपके हेयर्स बहुत लॉन्ग टाइम स्ट्रेट रहेंगे, दूसरी बात ये कि जब आप हेयर्स को स्ट्रेट करेंगे तो बड़े अच्छे से स्ट्रेट फ़ौरन से हो जाएंगे, बड़ा जैसे हेयर स्ट्रेटनर करते हुए टाइम थोड़ा लगता है ना, तो वो ये जल्दी स्ट्रेट कर देगा, ठीक है, इसके साथ। और दूसरी बात ये कि जब आप स्ट्रेट करते हैं तो स्ट्रेटनिंग के साथ जो साइड इफ़ेक्ट होते हैं वो साइड इफ़ेक्ट से ये बचाएगा, बड़ा ही ये अच्छी चीज़ है, आप इसको घर में ला सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, मेंस के लिए बड़ा अच्छा है, ठीक है, मेंस को जैसे उनके हेयर्स और किसी के ज़्यादा हेल्दी होते हैं, कंघी करने में मसला होता है, तो बड़ा इजी से सेट हो जाएंगे हेयर्स आपके और ओवर भी नहीं लगेंगे, और आपका जो जैसे हेयर ऑयल लाइक नहीं करते बॉयज़ भी, तो उनके लिए ये हेयर टॉनिक बहुत ही बेस्ट है, आप यूज़ करेंगे इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छा लगेगा। ये था मेरी तरफ से आज की छोटी सी बात, छोटा सा टिप समझ लें, जो भी समझ लें, लेकिन ये है बड़ा फ़ायदे वाली चीज़, ठीक है, बच्चों के लिए स्पेशली जो ढीठ होते हैं, कंघी नहीं करवाते, उनके लिए बड़ी अच्छी चीज़ है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।